में रश्मि देसाई एक मजबूत दावेदार बनकर उभरी है। हाल ही में रश्मि एली क्लब की मेंबर भी बन गई। घर में आए पत्रकारों ने वोट करके रश्मि को चुना। वहीं माहिरा, आरती, पारस और शहनाज अभी भी एलीट क्लब का मेंबर बनने के लिए जुड़ रहे हैं। वहीं बिग बॉस में रश्मि देसाई का सफर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। नेशनल टेलीविजन पर उनकी लव लाइफ सामने आई। साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनका बहुत झगड़ा हुआ। इन सब के बावजूद भी रश्मि गेम में अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। अब रश्मि टॉप 5 की दावेदार बन गई है। हाल ही में रश्मि के पूरे सफर और उनकी निजी जिंदगी पर मां रसीला देसाई का बयान सामने आया है। रसीला ने एक इंटरव्यू में बताया कि फैमिली राउंड के वक्त वो रश्मि से मिलने के लिए घर के अंदर क्यों नहीं गई थी। वो कहती है, रश्मि को पता था कि मैं घर में नहीं आ सकती, लेकिन मैं जाना चाहती थी। मुझे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या है। डॉक्टर ने मुझे घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। तब मैंने सोचा कि बच्चों को घर के अंदर भेजा जाए। मुझे पता था कि वो उन दोनों से मिलकर बहुत खुश होगी। रश्मि की मां ने ये भी बताया कि बिग बॉस में जाने से पहले रश्मि ने मुझसे इजाज़त नहीं ली थी। कई बार हमारे विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते, इस वजह से हम दोनों में मतभेद हो गए हैं। ये जनरेशन गैप है। रश्मि मेरी बातों को नहीं समझ पाती, लेकिन मेरे लिए आज भी वो बच्ची है। इसके अलावा रसीला ने रश्मि की लव लाइफ के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा, इस बात से परेशान नहीं हूँ कि उसकी निजी जिंदगी चैनल पर आ गई। मुझे पता है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। मेरी बेटी का दिल टूटा है, लेकिन इस बात से खुश हूँ कि अरहान की असलियत का पता चल गया। मैं चाहती हूँ कि वो अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़े। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि अभिनेत्री ने अरहान के परिवार वालों को घर खाली करने का नोटिस भिजवाया है। इस मामले पर अरहान खान ने चुप्पी तोड़ते हुए इन खबरों को झूठा ठहराया है। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बनी रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।